यदि आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट 2022 सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा की स्टडी गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इस बुक को सुपर टेट के ऑफिशियल और लेटेस्ट पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषय सम्मिलित किए गए हैं, जैसे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तीनों ही भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, गणित, तार्किक ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। यह थ्योरी बेस्ड बुक है, साथ ही साथ इसमें 2018-2019 के क्वेश्चन पेपर भी है, जिनके आपको आंसर तो बताए गए हैं, साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेन करके बताया गया है। 4 मंथ की करंट अफेयर और 5000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस बुक के अंतर्गत एक विश्लेषण चार्ट भी तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषयों में पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2018-2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ चक्षु प्रकाशन का सुपर टेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिसे आप लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इन सभी बुक को खरीदने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप इन बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि दिल्ली में जो आपको प्राइमरी टीचर यानी कि PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट अब जो भविष्य में देखने को मिलेगी उसमें BED वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया गया ऑफिशियली। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, सर जैसे आप जानते हैं जो दिल्ली में PRT पोस्ट की परमानेंट रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है वो दो तरह के डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट होता है और एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं। हालांकि दोनों की सरकार अलग होती है लेकिन होते दोनों दिल्ली में ही, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी PRT की होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, KVS NVS वगैरह, तो उनकी बात नहीं कर रहा फिलहाल मैं, ठीक है। तो दिल्ली सरकार के दिल्ली में जितने भी स्कूल है तो उसमें जो PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिले उसमें BED वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया गया। और मेरे हिसाब से दोस्तों, इसमें आप जानते हैं डायरेक्ट रूट ऑफ एजुकेशन में तो डायरेक्ट ही एलिजिबल है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे सर MCD में किया गया या नहीं किया गया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों शायद से MCD में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो PRT पोस्ट की जितनी भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी दिल्ली में दिल्ली सरकार के, उसमें BED वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से अप्लाई कर पाएंगे। अब दूसरी बात दोस्तों ये कि उनकी जो क्वालिफिकेशन उनसे मांगी गई है वही उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो 50% से ज़्यादा उनके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50% है 50% से ज़्यादा प्लस उन्होंने BED कर रखी हो, ठीक है। तो ये बस उनके लिए कंडीशन डाली गई है और साथ ही साथ उन्होंने CTET पेपर 1 भी क्वालिफाई कर रखा हो। अब उसमें CTET लिख रखा है केवल, लेकिन ये मान के चलिए कि CTET पेपर 1 की ही वहाँ पर उनसे डिमांड की जाएगी। और कुछ अभ्यर्थियों का क्या, काफ़ी अभ्यर्थियों को एज लिमिट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, तो दोस्तों एज लिमिट में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो मैक्सिमम एज लिमिट PRT पोस्ट के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो 30 वर्ष ही है, ठीक है। चाहे मेल कैटेगरी की बात करें फिर फीमेल कैटेगरी की बात करें, अदर रिक्रूटमेंट में 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाती है फीमेल कैटेगरी को, लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है। दिल्ली के केस में मैक्सिमम जो एज निर्धारित की गई है जनरल कैटेगरी की वो 30 वर्ष है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे SST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट और OBC को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल ही जाएगी। बाकी दोस्तों PRT पोस्ट के लिए BED वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे तो इसके अंतर्गत संवैधानिक चर्चा मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपके साथ कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि सर रिक्रूटमेंट की संख्या के ऊपर, तो दोस्तों संख्या अभी तो कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि संख्या कितनी, इस पर तो बिल्कुल भी आपका फोकस ही नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा संख्याओं पर अगर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से अभ्यर्थी का फायदा होता है, लेकिन अगर कम संख्याओं पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो फिर इसमें अभ्यर्थी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आपका एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, आपकी तैयारी, इससे आपका कोई मैटर नहीं करना चाहिए संख्या कितनी है। आप अगर ज़्यादा निकले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम संख्याओं पर रिक्रूटमेंट देखने को मिले जैसे इस बार देखने को मिला था, कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना कम हो जाए, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा असर आपकी तैयारी पर पड़ेगा और जिसका प्रभाव आपके नियुक्ति पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ो भाई कितनी संख्या पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए एक तो रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल जाए सबसे पहली प्राथमिक बात तो ये है, और इसके बाद आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। बाकी संख्या का कितना ना होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, और आप पे जो निर्भर करता है वो है दोस्तों आपकी तैयारी। और साथ ही साथ आपको पता है जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार आप जानते हैं GBT को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। GBT से मेरा तात्पर्य GBT, डाइट, BTC, मतलब जिन भी अभ्यर्थियों ने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो उनसे, ठीक है। तो उसमें तो आप जानते हैं केवल BED को ही इंक्लूड किया जाएगा और ये GBT वगैरह सब खत्म हो जाएगी जब पूरी तरह आपको देश में ये लागू देखने को मिल जाएगी नई शिक्षा नीति, तो उस टाइम ना कोई डाइट, GBT, BTC कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही JBT डाइट BTC इत्यादि कर रखी है उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनकी मान्यता हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन भविष्य में जो और हमारे जो जूनियर्स बच्चे करेंगे या शिक्षक क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त डिग्री प्राप्त करेंगे, वो डिप्लोमा तो खत्म कर दिया जाएगा, तो केवल वो डिग्री कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मतलब ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर दी उन्हें 2 साल देने पड़ेंगे, जो ग्रेजुएशन के साथ करेंगे उन्हें 1 साल देना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हैं ये, तो खैर जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाए जब की बात है, लेकिन आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से शिक्षा नीति बनी तो लागू तो होगी। अब जब भी लागू होगी आने वाले भविष्य में दोस्तों JBT डाइट BTC सबको खत्म कर दिया जाएगा। केवल एक ही शिक्षक टीचर बनने के लिए एक ही आपकी डिग्री होगी, वो होगी आपकी BEd। शिक्षक क्षेत्र में आपको डिग्री प्राप्त करनी होगी चाहे किसी भी पोस्ट पर टीचर बनने की इच्छा रखते हैं। अब दोस्तों जब PRT पोस्ट के लिए दिल्ली में BEd वाले अभ्यर्थी को एलिजिबल कर ही दिया गया है, तो शायद इसका ये प्रभाव देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम TGT की बात करें तो जो अभ्यर्थी अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करते थे TGT के लिए, क्योंकि पहले तो BEd वाले अभ्यर्थी PRT पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन पर एक ही विकल्प था वो TGT की तैयारी करें या फिर PGT करें, क्योंकि TGT PGT में सिलेबस अलग नहीं होता, कॉमन पेपर तो आपका कॉमन ही होता। जब विषय संबंधित की बात करते हैं तो TGT में कम पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन लेवल तक का, और PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना वही सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर इतनी समस्या नहीं होती। तो जो अभ्यर्थी केवल TGT की तैयारी कर रहे थे ईमानदारी के साथ, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की बात करूँ जो ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं, बाकी फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं और सभी अभ्यर्थी तैयारी नहीं करते जिस लेवल की उन्हें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब उनकी तैयारी बट जाएगी, जो पहले केवल TGT की तैयारी करते थे वो PRT की भी तैयारी करेंगे। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ आसपास दोनों के एग्ज़ाम हो गए तो फिर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो TGT में उन्हें कॉम्पिटिशन देखने को मिलना चाहिए था वो कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिलेगा। अब रही PRT की बात दोस्तों, अब वो पहले से TGT की निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको एक कागज़ पे लिख के दे दूंगा ये वाली बात, मैक्सिमम अभ्यर्थी अगर वो BEd कर रखे हैं तो उनका फोकस TGT पर ही रहेगा, लेकिन PRT की भी वो तैयारी करेंगे क्योंकि उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। अब दोस्तों उनकी तैयारी बट जाएगी, जिन अभ्यर्थियों ने केवल JBT डाइट BTC कर रखी है वो TGT के लिए तो अप्लाई कर नहीं सकते, उनका पूरा फोकस PRT पोस्ट के लिए रहेगा। तो फिर इस चक्कर में आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपनी तैयारी पे करें। अब दोस्तों ये छोटे मोटे रूल बदलते रहते हैं, दोनों के लिए फायदा है। देखो BEd वाले अभ्यर्थी PRT पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, अच्छी बात है। अब इसमें PRT पोस्ट वाले सोचेंगे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी आपका जो फोकस होना चाहिए वो केवल आपकी तैयारी पर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति है। ठीक है, अब ये दिल्ली में भी लागू हुई है तो दोस्तों इसका विरोध करोगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है और शायद से दोस्तों ये हटेगा भी नहीं, क्योंकि नई शिक्षा के अकॉर्डिंग JBT डाइट BTC को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो बस आपका जो जिन्होंने PRT डाइट JBT BTC इत्यादि कर रखी है, बस वही सोचे कि उन्हें तो एक सीट चाहिए उसकी तैयारी करें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं JBT के पक्ष में या फिर BEd के पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित वहाँ आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए, तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।